वहीं राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के लिए जो नेता हाल में ही बयानबाजी की वजह से सरदर्द बने हैं, उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को तलब किया है। दरअसल टीवी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनई के बीच जिस तरीके से टीडीसी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली थी, उसी को लेकर अब दोनों नेताओं को तलब किया गया है। वहीं दूसरी ओर रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दायित्वधारी कैलाश पंत के बीच हुई बयानबाजी को लेकर दोनों नेताओं को तलब किया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से ये मामला जो गंभीर मामला है उसको लेकर के जो जिन्होंने इस प्रकार की जो वक्तव्य दिया है उनको कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तलब किया गया है।